जब भी कभी आपका पढ़ने में मन न लगे, इच्छा सी ना हो किताब उठाने की, तो बस एक बार उस फ्रेंड को याद कर लेना जो आपसे मैथ के क्वेश्चन पूछता था और एक दिन वो आपके सामने आया, यार मेरा सिलेक्शन हो गया। बस उसका चेहरा, वो पल थोड़ा सा याद कर लेना, ऑटोमेटिक आपका पढ़ाई में मन लगना स्टार्ट हो जाएगा। ये है आज की डोज। नमस्कार दोस्तों, उन्नति कंपटीशन क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करता हूँ। और ऐसा होता है, एक्चुअली ऐसा होता है कि हम जिसको सवाल बताते थे सुबह शाम, जो हमारे साथ हमेशा चिपका रहता था, हमारे घर पे, लाइब्रेरी में, या फिर हम पार्क में बैठ के पढ़ते थे, तो उसने बताया कि यार मेरा इस पोस्ट में सिलेक्शन हो गया है। हमने लेकिन घर वालों से छुपा के रखा कि उसका सिलेक्शन हो चुका है। इनडायरेक्टली पता चली गया घर वालों को, और उन्हें हमारी खूब कुटाई तो खैर नहीं करी, लेकिन शब्दों के बड़े वार करे, क्योंकि शब्दों की वार एक ऐसी वार होती है जो दर्द बहुत अधिक देती है और लंबे समय तक उसका पेन बरकरार रहता है। चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो, पार्ट 46। देखिए, इस पार्ट के साथ में इस वीडियो का मैं अंत करूंगा जैसे ही, तो ये बुक का भी अंत हो जाएगा। उसके बाद बचेंगे आपके सेट। आपने देखा होगा बुक के एंड में सेट 1 2 3 4 है, उसको शुरू कर करेंगे। लेकिन इस पार्ट को आप मानिए एक तरह से इस बुक का अंतिम भाग, उसको मैं लेके आऊंगा। अभी एग्जाम में टाइम बहुत है, नोटिफिकेशन अब तक आया नहीं है, कुछ नहीं पता कि नोटिफिकेशन कब तक आएगा। देखिए, इसके साथ में हमारी एक बायोलॉजी की एक बुक चल रही है, रेलवे सामान्य अध्ययन की, तो वो आप देखना एक बार, प्लेलिस्ट बन चुकी है उसकी, उसमें वीडियो पब्लिश डेली हो रहे हैं, मॉर्निंग में 11 AM डेली। उस प्लेलिस्ट को देखिए, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चंस आपके बहुत बनेंगे। एक्चुअली रेलवे में अधिकांश क्वेश्चन जो आएंगे वो आएंगे आपके बायोलॉजी के। थर्ड बुक एक और है इसमें, जो है वो है आपकी एमसीक्यू फॉर्मेट में। इस 3 बुक के अलावा आपको कोई भी बुक फॉलो नहीं करनी है। अगर बेस आपका सच में स्ट्रांग नहीं है तो आप नीली वाली बुक, जीके की बुक को फॉलो कर सकते हैं, राइट? तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो, पेज नंबर 165। देखिए, इसमें हम कवर करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित क्या क्या क्वेश्चन हमको पढ़ के जाने हैं अपने एग्जाम से पहले। देखिए, भारतीय जो अर्थव्यवस्था है वो किस प्रकार की है, देखिए ये है हमारी विकासशील और मिश्रित, दो टाइप की है। विकासशील अर्थव्यवस्था वो होती है जो भी विकास की श्रेणी में है, प्रॉपर विकसित नहीं हुई है। जैसे छोटा बच्चा होता है वो विकसित होता है, नहीं ना, युवा जो होता है 18+ वो होता है विकसित, लेकिन उससे कम उम्र का क्या होता है, वो होता है विकासशील, मतलब कि वो भी डेवलप कर रहा है, कंप्लीट वो डेवलप नहीं हुआ है, राइट? तो उसी तरह से होती है हमारी अर्थव्यवस्था। तो हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो है विकासशील, और विकसित कौन सी है, विकसित है अमेरिका। तो आप इस तरह से कंपेयर करके इसको याद कर सकते हैं। आगे है, विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी है, तो वह है आपकी अमेरिका की। और सकल घरेलू उत्पाद की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो वह है आपका 10वां। देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा था, तो वो था आपका फ्रांस। और उसके बाद हम बात करते हैं कि भारत में अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है, जैसे कि मैंने अभी आपको इस विकासशील के साथ में बताया था कि विकासशील भी है और मिश्रित भी, तो यहाँ पे ये चीज हमारी कवर हो जाती है। बढ़ते हैं आगे, मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रारंभ कब से हुआ था, तो वो हुआ था 1948 में। मानव विकास सूचकांक का आकलन का आधार है आपका जीवन प्रत्याशा, शिक्षा का स्तर एवं प्रति व्यक्ति आय। भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट जारी की गई थी अप्रैल 2002 में, और राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला भारत का पहला राज्य है, यह है आपका मध्य प्रदेश। सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन किया था 1868 में दादा भाई नरोजी द्वारा। देखिए, इनसे संबंधित काफी सारी चीजें हैं कि जो आप देखते हैं ना कि राष्ट्रीय आय की गणना किस फॉर्मूले से करी जाती है, एनएनपी, जीडीपी, जो भी सब फॉर्मूले बनाए हैं वो बनाए हैं आपके दादा भाई नरोजी ने। तो ये पर्सनालिटी काफी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि हिंदू वृद्धि दर के अवधारणा के प्रतिपादक थे कौन, प्रोफेसर राज कृष्ण। राष्ट्रीय आय के अनुमान का सबसे पहला सरकारी अनुमान दिया गया था 1948 to 49 में। उसके बाद बात करते हैं वर्ष 2014 और 15 में
भारत का राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है? 17.6%। राष्ट्रीय आय तथा सकल घरेलू उत्पाद का लेखा कौन करता है? तो वो करता है आपका सीएसओ। सीएसओ की स्थापना हुई थी कब? 2 मई 1951 में। और उसके बाद इम्पोर्टेंट है इसका हेडक्वार्टर, तो कहाँ पर है ये? नई दिल्ली में। राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी कहलाता है आपका श्वेत पत्र, मतलब व्हाइट लेटर। और देखिए 2014-15 में जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र जो है कृषि, द्वितीयक क्षेत्र उद्योग, एंड तृतीयक क्षेत्र आपका सेवा का योगदान अनुमानित है कितना परसेंट? 17.6%, 29.7% एंड 52.7%। देखिए प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? कृषि, पशुपालन और मत्स्य मतलब मछली पालन, ये सब आता है आपका प्राथमिक क्षेत्र से। अब देखिए जैसे कि कृषि में हमने कोई गन्ना उगाया, ठीक है, गन्ना होगा, ये हो गया आपका खेती। खेती किसमें आ गई? प्रथम क्षेत्र में, प्राथमिक क्षेत्र में। और गन्ने से जो चीनी बनी, चीनी के लिए क्या लगी? मील। तो मील वगैरह किसमें आती है? वो आती है द्वितीयक श्रेणी में। और मील जो मार्केट में सेल हुई, सेवा जो दी गई लोगों को, ये आया सेवा क्षेत्र, ठीक है ना। व्यापार, परिवहन, व्यापार बन गया ना उससे, भाई चीनी का लेन देन स्टार्ट हो गया तो एक दुकान बनी, दुकान में क्या होता है? व्यापार होता है। तो ये सब आ गया आपके तृतीयक क्षेत्र में। तो पहला क्षेत्र है आपका ये, सेकंड ये, थर्ड ये। एक एग्जाम्पल दिया मैंने आपको चीनी का, उसके अलावा बहुत सारे क्षेत्र हैं जो इन तीनों पे आपस में डिपेंड हैं। अगला पॉइंट है, वर्ष 13 और 14 में भारत में सर्वाधिक तथा न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है? तो वो है आपका गोवा और बिहार। ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र में एक व्यक्ति के प्रति दिन के भोजन में होना चाहिए क्रमशः 2400 कैलोरी तथा 2100 कैलोरी। भारत में गरीबी का आकलन किया जाता है लकड़वाला फॉर्मूला के आधार पर। अत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम प्रारंभ राजस्थान में हुआ। और भारत में कृषि क्षेत्र में पाए जाने वाली बेरोजगारी है कौन सी? अदृश्य या परिच्छन बेरोजगारी। व्यापार चक्र की मंदी के समय उत्पन्न बेरोजगारी कहलाता है आपका चक्रीय बेरोजगारी। और भारत में बेरोजगारी का स्वरूप कौन सा है? तो ये आपका संरचनात्मक। उसके बाद थोड़ा सा और बढ़ते हैं इस पेज पर, मौसमी बेरोजगारी। हाँ देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो वो पाई जाती है आपकी मौसमी बेरोजगारी। प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में, और वित्त आयोग का कार्यकाल होता है 5 वर्ष के लिए। और 14वें वित्त आयोग का गठन 2013 में हुआ था। और योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था, 1946 में गठित नियोगी समिति की सिफारिश पर। तो ये समिति का जो नाम है नियोगी समिति, ये आपको याद रखना है, राइट। आगे बढ़ते हैं, योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष थे कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू और गुलजारी लाल नंदा। इनका नाम गुलजारी लाल नंदा भी था। योजना आयोग का मुख्य कार्य था आपका पंचवर्षीय योजना का निर्माण तथा रूपरेखा तैयार करना। नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं आपके प्रधानमंत्री। और नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष हैं कौन? नरेंद्र मोदी एवं अरविंद पनगड़िया। नीति आयोग संस्थाएं किस प्रकार की? मोस्ट 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 गैर संवैधानिक। योजना आयोग द्वारा इंडिया विजन 2020 का दस्तावेज प्रस्तुत हुआ 23 जनवरी 2003 को। और एनडीसी का गठन हुआ था 6 अगस्त 1952 में, पेज नंबर 166। भारत में योजना का स्वरूप किस प्रकार का है? तो ये आपका मिश्रित। और उसके बाद हम बात करते हैं आपसे, गांधी योजना को तैयार किया था किसने? श्री मन्ना नारायण ने। कब करा था? 1944 में। देखिए जन योजना निर्मित की गई श्री एम एन राय द्वारा अप्रैल 1945 में। उसके बाद हम बात करते हैं आपसे कि भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की क्रियान्वयन का दायित्व होता है केंद्र और राज्य सरकार दोनों के हाथ में। और राष्ट्रीय योजना समिति की रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी 1949 में। और प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951-56 आधारित थी हेराल्ड डोमर मॉडल पर। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956-61 पर आधारित थी और पीसी महल नोविस के मॉडल पर। उसके बाद हम बात करते हैं, थर्ड पंचवर्षीय योजना आधारित है आपकी डोमर संवर्धी मॉडल पर। और तृतीय योजना का विकास दर लक्ष्य एवं प्राप्ति दर लक्ष्य था आपका 5.6% तथा 2.8%। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे सामने कि तृतीय पंचवर्षीय योजना की
असफलता का कारण क्या था? भारत पाक युद्ध 1965, भारत चीन युद्ध 1962 एंड भयंकर अकाल। 3 वार्षिक योजनाओं का काल था आपका 1966 टू 69। उसके बाद हम बात करते हैं कि चौथी जो योजना थी उसका काल था 1969 टू 74, और फोर्थ जो योजना थी इसका मुख्य उद्देश्य था आपका स्थिरता के साथ विकास। पांचवी योजना का काल था, ये सभी जो योजना है आपकी पंचवर्षीय योजना, उन सब का काल आपको याद करना है फाइनली। और जो इम्पोर्टेंट है वो है आपकी पांचवी योजना का मुख्य उद्देश्य था आपका गरीबी का उन्मूलन एवं आत्मनिर्भरता। 1 वर्ष पूर्व में समाप्त योजना थी, मतलब 5 साल उसको पूरे नहीं हुए थे, उससे 1 साल पहले ये खत्म हो गई थी, समाप्त करना पड़ा उसको। तो वो योजना कौन सी थी? वो थी आपकी पांचवी पंचवर्षीय योजना। देखिए, काम के बदले अनाज, ये कार्यक्रम शुरू हुआ था आपका पांचवी योजना के काल में। अब देखिए, रोलिंग प्लान मतलब अनवरत योजना का काल था आपका 1978 टू 80। अनवरत योजना आधारित थी आपके गांधीवाद मॉडल पर। और उसके बाद हम बात करते हैं आपसे आगे इंदिरा आवास योजना तथा जवाहर रोजगार योजना का प्रारंभ हुआ था 7वीं योजना काल में। और 8वीं योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? मानव संसाधन का विकास। देखिए, योजना से संबंधित एक वीडियो है इस चैनल पर, आप चाहें तो वो देख सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो आपकी काफ़ी सारी योजना जो इम्पोर्टेंट है वो सब कवर हो जाएगी चंद सेकंड पे, मतलब 10 मिनट की वीडियो की सुपर की वीडियो वो नहीं थी। अगला पॉइंट है महिला समृद्धि योजना, 2 अक्टूबर 1993 का प्रारंभ हुआ था 8वीं योजना काल में। और उसके बाद हम बात करते हैं आपसे कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना, 15 अगस्त 1993 की शुरुआत हुई थी 8वीं योजना काल में। 10वीं 2002-2007, अब तक की सबसे विकास दर वाली योजना कौन सी है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10वीं योजना। और 10वीं योजना का विकास दर लक्ष्य क्या था, उसकी प्राप्ति क्या थी? लक्ष्य रखा था 8%, प्राप्ति हुई थी 7.6%। 11वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था आर्थिक समवर्ती दर का विकास। ट्राइसेम योजना की शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 1979 में। 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 1974-75। और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का शुभारंभ हुआ था 25 सितंबर 2001 को। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम प्रारंभ किया गया 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा की जगह। हरियाली योजना का शुभारंभ किया था 27 जनवरी 2003 को। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारंभ की गई दिसंबर 2000 को। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम प्रारंभ किए गए 15 अगस्त 2008 को। और 167 पेज नंबर है हमारे सामने। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू की गई 1999 टू 2000। उपभोक्ता की बचत का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था अल्फ्रेड मार्शल ने। भारत में सबसे पहले चकबंदी कानून लागू हुआ था 1920 ईस्वी में बड़ौदा में। अनिवार्य चकबंदी की शुरुआत हुई थी 1928 में मध्य प्रदेश में। और भारत में कृषि वर्ष माना जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च को। हरित क्रांति शब्द के सबसे पहले प्रयोगकर्ता थे डॉक्टर विलियम गॉड। हरित क्रांति के विश्व स्तरीय जनक माने जाते हैं डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को। अब देखिए, पीली क्रांति, भूरी क्रांति, ये सब क्रांति एक लिस्ट है, आपको ये पढ़नी है और उसको याद करना है क्योंकि हर चीज़ में इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ इसको याद करिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं सभी क्रांतियों का सम्मिलन रूप है आपका इंद्रधनुषी क्रांति। अब देखिए, केंद्र सरकार के द्वारा लगाए जाने वाले कर, ये सभी कर हैं। इसको देखिए, राज्य सरकार, इसको करिए अपनी बुक में हाईलाइट, इसको टिप्स पे आपको याद होना चाहिए। वर्तमान में केंद्र सरकार के आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो वो है आपका निगम कर, जो होता है डायरेक्ट टैक्स। और केंद्र को सर्वाधिक निबल राजस्व की प्राप्ति होती है उत्पाद शुल्क से। 12वीं योजना का काल एवं विकास दर लक्ष्य कितना है? 2012 और 17 में समाप्त 9% इसका विकास दर का लक्ष्य था। अब देखिए, सर्विस टैक्स की उगाही करता है कौन? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, मतलब आयकर विभाग। भारत में मुद्रा स्फीति की माप की जाती है थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा। और मुद्रा स्फीति से हानि होती है देनदार को और लाभ होता है ऋणी को। ग्रेसम का नियम संबंधित है किसके? मुद्रा के परिचलन से। उसके बाद देखिए, गिल्ड एज्ड बाजार समृद्ध है सोना चांदी से।
देखिए, भारत में विदेशी मुद्रा का सर्वाधिक व्यय होता है पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर। भारत को सर्वाधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है रत्न एवं आभूषण से। और भारत में मुद्रा की मैट्रिक प्रणाली को अपनाया गया कब? 1 अप्रैल 1957 को। मुद्रा अवमूल्यन का उद्देश्य होता है निर्यात को बढ़ावा तथा आयात को कम करना। निर्यातकों और आयातकों को वित्तीय सहायता कौन प्रदान करता है? वो करता है एक्सिम बैंक। एक्स मतलब एक्सपोर्ट, आई एम मतलब इम्पोर्ट, इसको बोलते हैं निर्यात आयात बैंक। आपको ऑप्शंस में कभी कभी एक्सिम बैंक देगा तो आपको कन्फ्यूज वहां पे नहीं होना है। पहली बात याद रखना कि EXIM, EX मतलब एक्सपोर्ट, IM मतलब इम्पोर्ट, तो एक्सिम बैंक भी आपको अपने ऑप्शन में मिल सकता है आपके एग्जाम में। अगला है कि भारत में जीवन बीमा देन है किसकी? ब्रिटेन की। और जो राष्ट्रीयकरण हुआ था भारत में सामान्य बीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1971 में। भारत का प्रतिभूति मुद्रालय सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस और बैंक नोट प्रेस स्थित है नासिक, हैदराबाद तथा देवास में। रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को और राष्ट्रीयकरण हुआ था इसका 1 जनवरी 1949 को। अब देखिए, 14 बड़े बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था सबसे पहले 19 जुलाई 1969 को, और उस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। कभी कभी प्रधानमंत्री का नाम भी पूछ लेता है। पेज नंबर 168। भारतीय बैंकों का सर्वाधिक शाखाएं हैं यूके में, और निजी क्षेत्र से पूंजी उगाने वाला पहला राष्ट्रीयकृत बैंक है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। देश का पहला मोबाइल बैंक लक्ष्मीबाई बैंक मध्य प्रदेश में, और बैंक RBI द्वारा निर्धारित राशि को जब प्रतिभूति के रूप में अपने पास रखता है तो वह कहलाता है आपका वैधानिक तरलता दर। मौद्रिक नीति की घोषणा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की जाती है प्रति 6 माह के लिए, और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना की गई थी 1 फरवरी 1964 को। मानसून का जुआ कहा जाता है भारतीय बजट को। और भारत का पहला एवं सबसे पुराना मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई थी 1875 में। दलाल स्ट्रीट जो है वो स्थित है कहाँ पर? मुंबई में। और राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख प्रवर्तक या प्रमोटर है आपका IDBI। देखिए, दो कीवर्ड हैं, दो टैग हैं, दो शब्द हैं जिसको बोलते हैं तंजाड़िया एवं मंदाड़िया, मतलब बुल एंड बियर। ये शब्दावली जो है वो है आपकी शेयर बाजार से संबंधित, स्टॉक मतलब शेयर मार्केट से संबंधित ये कीवर्ड है। उसके बाद हम बात करते हैं भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों की संख्या है वो कितनी है? 23। और BSE का संवेदी सूचकांक का आधार वर्ष है आपका 1978 to 79। भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रक का कार्य करता है आपका सेबी, और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988 में, और SA दवे समिति की अनुशंसा पर आर्थिक क्षेत्र में उदारीकरण के एक नए युग की शुरुआत हुई 1991 में। मीरा सेठ समिति संबंधित है हथकरघा से, और स्वतंत्र भारत में प्रथम औद्योगिक नीति शुरू की गई थी 6 अप्रैल 1948 को। देश में महारत्न तथा नवरत्न दर्जा प्राप्त कंपनियों की संख्या है 7 और 17। कोल सेक्टर का अर्थ क्या होता है? चयनित आधारभूत उद्योग। NTPC की स्थापना हुई थी 1975 में, और ISI प्रमाणन जारी की गई 7 अप्रैल 2003 को। हॉलमार्क संबंधित है आपका स्वर्ण आभूषण से। ये क्वेश्चंस भी चलिए इंपॉर्टेंट है, आप लिख लीजिएगा इसको। हॉलमार्क योजना प्रारंभ की गई थी 12 अप्रैल 2002 से, और क्रिसिल का पूर्ण जो रूप है वो है आपका क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना प्रारंभ की गई थी 1952 में, और वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1906 में हुई थी देहरादून में। कृषि वस्तुओं की गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है आपका एग मार्क, और ट्रेडमार्क अधिनियम प्रणाली 15 सितंबर 2003 से स्टार्ट हुई थी। सफेद सोना कहा जाता है कपास को, और सुपर 301 संबंधित है किससे? मुक्त व्यापार में अवरोध से। ज्ञान प्रकाश समिति का
जो संबंध रखती है वो रखती है चीनी घोटाले से और हजारी समिति संबंधित है आपका औद्योगिक नीति से, पेज नंबर 169। और इसमें हम कवर करेंगे कंप्यूटर के क्वेश्चन, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कंप्यूटर, तो प्लीज़ इसको देखिएगा ध्यान से और कहीं जाइएगा नहीं, या फिर अगला वीडियो बनाएं इसके लिए बताइए आप, क्योंकि चलिए 2 पेज खोले हैं, कर लेते हैं कवर। कंप्यूटर एक मशीन है, किस प्रकार के, तो ये है कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन। अबाकस नामक यंत्र का आविष्कार किया था चीनियों ने और प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था आपका एनियाक। एनालिटिकल इंजन जो इंजन है वो है आपका एक इंजन है और इसका आविष्कार हुआ था 1833 में। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मेमोरी होता है 2 प्रकार का, रोम रीड ओनली मेमोरी। कीबोर्ड में कितनी की होती हैं, 101, और कीबोर्ड को हिंदी में कहते हैं कुंजी का पटल। कंप्यूटर बंद करने की प्रक्रिया जो कहलाता है वो कहलाता है आपका शटडाउन, और कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है क्या, सीपीयू। मॉनिटर को कहा जाता है वीडियो, और फंक्शन की संख्या कितनी होती है, 12। मिकर MCIR का शाब्दिक अर्थ क्या है, मैग्नेटिक करेक्टर इंक रिकॉग्नाइजेशन। और ASCII सेकेंड में एक करेक्टर बराबर होता है 8 बाइट्स के, और 1 KB में 1024 बाइट्स के इक्वल होता है। उसके बाद नॉर्टन क्या है, एक एंटीवायरस। WWW का फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब। उसके बाद इम्पॉर्टेंट जो है, WWW क्या है, ये है एक इंटरनेट सर्विस। हार्ड डिस्क होती है क्या, सेकेंडरी मेमोरी। और लैन की फुल फॉर्म क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क। वैन की फुल फॉर्म क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क। उसके बाद हम बात करते हैं डॉस। डॉस का जो फुल फॉर्म होती है वो होती है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, और हिंदी में बोलते हैं इसको डिस्क संचालन प्रणाली। डाटा को सुरक्षित रखने का तरीका क्या होता है, वो होता है आपका बैकअप प्लान। फैट का अर्थ होता है क्या, फाइल एलोकेशन टेबल। मैन का पूर्ण रूप होता है क्या, मल्टीनेशनल एरिया नेटवर्क। HTTP का दूसरा नाम क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। PC का अर्थ क्या होता है, पर्सनल कंप्यूटर। और ALU का पूर्ण रूप क्या है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। कंपाइलर का प्रयोग होता है आपका हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलने के लिए। द्विआधारी अंकन पद्धति के 2 अंक हैं, 0 और 1। 3.25 इंच की जो फ्लॉपी होती है उसमें कितना डाटा हम स्टोर कर सकते हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये है 1.44 MB। पेज नंबर नेक्स्ट है हमारे सामने। विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर जो है वो है T3A। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किया था JS Kilby ने, और WWW के आविष्कारक या प्रवर्तक जन्मदाता कौन है, उनका नाम है टीम बर्नर्स ली। अभी हाल ही में इनका निधन हुआ था। याहू गूगल तथा MSN ये क्या है, ये एक्चुअली इंटरनेट सर्च इंजन है। हम कहते हैं गूगल करो गूगल करो, गूगल पे क्या करते हैं, सब कुछ टाइप करते हैं जो आपको सर्च करना होता है, तो ये एक्चुअली एक सर्च इंजन होता है। और 1 MB 1024 KB के इक्वल, 1 GB 1024 MB के इक्वल होता है। MICIR माइकर या मिकर बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। IBM फुल फॉर्म इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। भारत में कंप्यूटर के सहयोग से संगीत बद्ध किया गया प्रथम एल्बम का नाम बेबी डॉल। PC की फुल फॉर्म पर्सनल कंप्यूटर। कंप्यूटर को दिए जाने वाले निर्देशों क्रमबद्ध समूह कहलाता है आपका प्रोग्राम। वह सॉफ्टवेयर जिनका कोई कॉपीराइट नहीं होता कहलाता है क्या, वो फ्रीवेयर। DBMS का विस्तृत रूप है आपका डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन होता है .xls, और BIT का फुल फॉर्म है बाइनरी डिजिट, और बाइनरी जो डिजिट होती है वो होती है 0 और 1 के फॉर्मेट में हमेशा। तो आगे बात करते हैं, कंप्यूटर के लिए सारा थिंकिंग करता है कौन, कंप्यूटर प्रोग्राम। और वेबसाइट को विशिष्ट रूप से क्या आइडेंटिफाई करता है, वो करता है URL। URL की फुल फॉर्म क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब देखिए पिक्चर साउंड वीडियो इन सब से मिली फाइल को बोलते हैं मल्टीमीडिया। ये सब जो फाइल की जो कैटेगरी होती है वो होती है मल्टीमीडिया।
फाइलों को सुव्यवस्थित मतलब ढंग से किया जाता है, रखा जाता है फोल्डरों में स्टोर करके। और सीडी की फुल फॉर्म है कॉम्पैक्ट डिस्क। ASCII सेकेंड का फुल फॉर्म क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अगला पॉइंट है इंटरनेट पर वस्तुओं के व्यापार की प्रक्रिया कहलाती है आपकी क्या? ई कॉमर्स। और कमांड्स को संपन्न करने की प्रक्रिया कहलाती है आपकी एग्जीक्यूटिंग। और किसी कंप्यूटर से इंटरनेट की फाइलों को कंप्यूटर पर ट्रांसफर करने की प्रक्रिया कहलाती है आपकी डाउनलोडिंग। और टेक्स्ट में आपकी पोजीशन दिखाता है कौन? ब्लिंकर। देखते ना, कोई टाइप करते हैं तो उसमें एक ब्लिंक करता है लाइन सी, तो वो होता है ब्लिंकर। नॉर्टन क्या है? एक एंटीवायरस। और कैड का फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटर एडिड डिजाइन। इंटरनेट पर वेबसाइट बनाने वाला भारत की पहली राजनीतिक पार्टी कौन सी है? पार्टी है नहीं, राजनीतिक पार्टी पूछेगा आपसे, तो राजनीतिक पार्टी क्या है? भारतीय जनता पार्टी। फैट की फुल फॉर्म क्या है? फैट का मतलब मोटापा नहीं, फैट का मतलब कंप्यूटर में पूछ रहा है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है फाइल एलोकेशन टेबल। देखिए Lotus 1-2-3 ये क्या है? ये होता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू क्या होती है, मेल सेंड और रिसीव होती है। एक होता है आउटलुक, एक होता है लोटस। आउटलुक अलग है, लोटस अलग है, दोनों के प्लेटफॉर्म बिल्कुल डिफरेंट है। आउटलुक माइक्रोसॉफ्ट का पार्ट है, लोटस एक प्राइवेट कंपनी के थ्रू मेल और सेंड रिसीव होती है, एक अलग से ये सॉफ्टवेयर है, राइट। आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाता है क्या? हार्डवेयर। और Y2K समस्या से प्रभावित विश्व का एकमात्र देश कौन है? तो वो है आपका जॉम्बिया। Y2K का फुल फॉर्म क्या है? Year 2000। भाई जब 2000 जो वर्ष था ना, तो उसको लिखने का तरीका कंप्यूटर के अंदर कोई प्रोग्राम कर नहीं पाया। कंप्यूटर में जब साइड में टाइम देखते हैं ना, 2000 जो आता है, तो इस प्रकार की कोडिंग में बड़ी दिक्कत आई थी कि 2000 हम कैसे टाइप करें, तो उसको बोला गया था Y2K। तो आज से 17 साल पहले 2000 जो वर्ष आया था, ठीक है, तो वहां पे ये दिक्कत आई थी उस वक्त बहुत तगड़ी, तभी से Y2K फेमस हो गया था। और कोडिंग कैसे करें क्या करें, बहुत इसमें जद्दोजहद हुई थी, न्यूज़पेपर में कंटिन्यू एक तारीख पे ही छा गया था कि कैसे टाइप होगा 2000 कंप्यूटर सेक्शन के अंतर्गत, क्या होगा इसका वगैरह वगैरह। तो देखिए अगला जो हमारा वीडियो रहेगा वो रहेगा हमारे सेट का, सेट 1-2-3। तो इसका वीडियो आपको रिक्वायरमेंट अगर हो तो मैं बनाऊंगा, अदरवाइज देखिए उसमें ना एक्चुअली हर चीज़ इंपॉर्टेंट है। या तो मैं एक एक लाइन को आपको पढ़ूंगा, वरना उसमें से देखूंगा चलिए क्या करना है आगे। फिलहाल आपको बस केवल एक काम करना है, वीडियो को मैक्सिमम शेयर करना है यार, ठीक है, और इसको वीडियो को लाइक करना है। और शेयर करने से देखिए फायदा क्या होगा, शेयर करने से फायदा बस केवल यही होगा कि जो बच्चा गांव में पढ़ रहा है ना, उस तक ये वीडियो नहीं पहुंच पा रहा, आपके व्यू बहुत कम आ रहे हैं। रीज़न क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन व्यू सच में बहुत कम आ रहे हैं, और शेयर करने में आप बहुत ज़्यादा कंजूसी कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना बच्चों, बस केवल शेयर करना है, उस बच्चे की हेल्प हो जाएगी। सोचिए जरा एक बार, मुझे काफ़ी सारे बच्चों के कमेंट्स आते हैं, कॉल भी आते हैं कि सर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बस इस बुक को पूरा करवा दो। मैं तो बुक को पूरा करवा दूँ, लेकिन मुझे रिस्पॉन्स तो कोई दो पॉजिटिव कि हाँ भाई मेरे वीडियो को कोई वॉच कर रहा है। भाई आप दुनिया में तभी तो बोलेंगे जब आपको कोई सुनने वाला होगा। भाई खाली गाँव में जाके तो आप अपना प्रवचन नहीं देंगे ना, आप वही देंगे जहाँ पे लोगों की गैदरिंग बहुत ज़्यादा होगी। तो वही सवाल अब यहाँ पे भी खड़ा होता है, आपके व्यू तो आते हैं, थोड़े बहुत व्यू आ रहे हैं किसी वीडियो पे, किस वीडियो पे आपके बहुत अच्छे व्यू आ रहे हैं, लेकिन आप शेयर नहीं कर रहे हैं, लाइक नहीं कर रहे हैं, तो मुझको मोटिवेशन कैसे मिलेगा? थिंक अबाउट इट, मेरी इस बातों पर विचार करिएगा। और बस यार आप भी पढ़िए, जल्दी बनिए, और मुझे कमेंट करिए कि मेरा सिलेक्शन यहाँ पे हुआ। मुझको सच में बहुत अच्छा लगेगा आपका कमेंट्स जब इस जिस दिन आएगा कि हाँ सर मेरा रेलवे में सिलेक्शन हो गया। काफ़ी सारे बच्चों के मुझे कमेंट्स आते हैं, बड़ी खुशी मिलती है। अब नंबर अगला है आपका, जी हाँ आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, अगला नंबर है आपका कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजेंगे अपना सिलेक्शन। प्लीज़ हिट द लाइक बटन। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। थैंक्स।